आनंद बिहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली से भागलपुर आ रही गर्भवती महिला सोनी देवी ने ट्रेन में ही बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन बोगी में सवार संवेदनहीन लोगों ने महिला की कोई मदद नहीं की, जबकि महिला मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी के द्वारा मदद नहीं किए जाने के कारण नवजात की मौत जन्म के साथ ही ट्रेन में हो गई। सोनी देवी दिल्ली से विक्रमशिला ट्रेन के स्लीपर कोच के 9 नंबर कोच में सवार होकर दिल्ली से अपने घर भागलपुर के मसूदनपुर के गोविंदपुर भतोरिया के लिए निकली थी, लेकिन क्यूल जंक्शन के पास उसे दर्द शुरू हो गया और वो दर्द से कराह रही थी और आसपास के लोगों से मदद की गुहार भी लगा रही थी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की और ट्रेन की बोगी में ही नवजात को जन्म दे दिया, लेकिन किसी की मदद नहीं मिलने के कारण नवजात की मौत ट्रेन में ही हो गई। वहीं ट्रेन के भागलपुर पहुंचने पर रेलवे के डॉक्टर ने उसकी जांच की और उसे स्वस्थ बताकर घर भेज दिया। इस मामले पर डॉक्टर का कहना है कि महिला को क्यूल जंक्शन और जमालपुर जंक्शन में रेलवे के डॉक्टरों के द्वारा देखा गया था, लेकिन महिला का आरोप है कि ट्रेन में कोई भी रेलवे कर्मी घंटों दर्द से परेशान रहने के बावजूद नहीं आया और न ही आम लोगों ने मदद की। एक तरफ रेलवे ट्रेन में सवार यात्रियों की सुविधा की बात करती है, लेकिन सोनी देवी को ना तो रेलवे की सहायता मिल पाई और ना ही आम लोगों की कोई सहायता। मामला जो भी हो, लेकिन जिस तरह सोनी देवी ने आरोप लगाया है वह आम लोगों की संवेदनहीनता की कहानी तो बताता ही है, साथ ही यह घटना मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। दर्द कहाँ शुरू होलो? पटना से। और टीटी के बोलो छो? अगल बगल के आदमी सबका बोलो की? औरत बोली? हाँ, ये बस बोली लेडीज कहाँ क्या है भैया, मेरा पता नहीं। कोई मदद नहीं किया? कोई नहीं किया, अकेले तरह से चक्कर काटे, कोई देखा भी नहीं, पुलिस वगैरह सब कोई नहीं? कोई नहीं, अगर नीचे हम नीचे सारा दिन नीचे पड़ते रहते, सीट नहीं था, पूरा ब्लड वर्ड। भागलपुर आने के बाद सर आपने उस महिला का स्वास्थ्य परीक्षण किया, क्या स्थिति है सर उसकी, क्या है? माता के स्टेट एकदम नॉर्मल है, डिलीवरी तो जहाँ तक हमको जानकारी है कि तो फूल के पहले ही हो चुका था जी, फूल में भी रेलवे के चिकित्सा विभाग के द्वारा अटेंड किया गया था, उसके बाद जमालपुर में भी अटेंड किया गया, वहाँ पर भी जो उपचार हो सकता था वो किया गया, उसके बाद भागलपुर में भी चिकित्सा विभाग के द्वारा अटेंड किया गया। बच्चा तो मृत ही पैदा हुआ था, मदर की स्थिति नॉर्मल है, प्राइमरी जो प्राथमिक उपचार हो सकता था वो दिया गया, उसके बाद घर पर। परिचय सर आप? सत्येंद्र कुमार, ACMS। सर उन औरत का कहना है कि न तो कोई गार्ड आए, न मैंने रेलवे के न कोई आदमी उनको इंटरटेन नहीं किया, उनका कहना है। अब उसके बारे में तो हम नहीं कह सकते, कहाँ कॉल दिया गया, किनको दिया गया और वो नहीं तो पहुँच गए, उसके बारे में हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तीनों कृषि कानून रद्द करने का जैसे ही ऐलान किया गया, पूरे देश की प्रदर्शन करने वाले किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और प्रदर्शनकारी काफी खुशी का इजहार करते दिखे। वहीं इस बाबत भागलपुर में बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता व नगर विधायक अजीत शर्मा के नेतृत्व में सबसे पहले प्रेस वार्ता रखी गई। प्रेस वार्ता में भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा, जिलाध्यक्ष प्रवेश जमाल, महिला जिलाध्यक्ष के अलावे कई कांग्रेसी नेताओं ने कृषि कानून बिल वापस लेने को लेकर अपनी अपनी वार्ता में अपनी अपनी बातों को रखा। नगर विधायक अजीत शर्मा ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि किसी किसान पर तानाशाही हम कांग्रेस के कार्यकर्ता कभी नहीं होने देंगे। किसान जो अपने पूरे देश के लिए अन्न पैदा करते हैं, उसके साथ जबरदस्ती वाला कानून नहीं चलेगा। इसी कारण केंद्र सरकार को यह काला कानून हटाना पड़ा। विधायक ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार तभी कुछ करती है जब चुनाव का समय रहता है। प्रेस वार्ता के बाद कचहरी चौक पर विजय जुलूस निकालकर कृषि कानून बिल वापस लेने को लेकर खुशी का इजहार किया गया। इसके बाद भगत सिंह चौक पर 700 से 800 किसानों जो पूरे देश में शहीद हो गए उनके लिए श्रद्धांजलि बतौर कैंडल मार्च निकाला गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। जो काला कानून वापस हुआ है
उसमें कांग्रेस पार्टी पूरे देश में भागलपुर में आप देख ही रहे हैं विजय उत्सव की रैली निकाला, क्योंकि ये किसानों की जीत और आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी ने जिस तरह से इस आंदोलन के में साथ दे के चढ़ बढ़ के लोगों को सपोर्ट किया, कांग्रेस पार्टी आज किसी दिन में सभी कांग्रेस के वर्कर्स आज विजय उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि किसानों की जीत हुई है और कांग्रेस राहुल गांधी जी की जीत हुई है, इसलिए आज लोग विजय उत्सव मनाए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से जो 700 से अधिक किसान मारे गए हैं उनके आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कैंडल मार्च भी निकालेंगे या भगत सिंह चौक से लेकर त्रिमूर्ति चौक तक। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी के उत्सव का दिन है, किसानों का उत्सव का दिन है। रोसड़ा नगर परिषद में कार्यरत सफाई कर्मी राम सेवक राम की हत्या मामले में भागलपुर नगर निगम कर्मचारी संघ की ओर से नगर निगम परिषद में पुतला दहन किया गया। आरोप है कि पुलिस हिरासत में लेने के बाद सफाई कर्मी की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई, जिससे पूरे प्रदेश में सफाई कर्मियों के बीच काफी आक्रोश है। भागलपुर नगर निगम परिषद में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुर्दाबाद और रोसड़ा थाना प्रभारी मुर्दाबाद, कार्यपालक अभियंता मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नगर निगम परिसर में कार्यपालक अभियंता रोसड़ा थाना प्रभारी का पुतला दहन किया गया। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी और मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की मांग की। भागलपुर जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन की बैठक सह ट्रक मालिकों का सम्मेलन आयोजित किया गया। नौचिया के मगनपुर चौक स्थित कॉम्प्लेक्स में जिलाध्यक्ष दीप नारायण सिंह दीपक की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन के दौरान भागलपुर जिले के सभी ट्रक मालिक शामिल हुए। इस दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि रविवार की रात से सभी ट्रक मालिक अपनी गाड़ियों को डाला बराबर अंडर लोड परिचालन करेंगे, क्योंकि सड़क पर हो रही दुर्घटना को रोकने एवं सड़क को बचाने और भागलपुर घोघा रोड जो जर्जर हो गया है एवं लोडेड गाड़ियों के कारण लगातार हो रहे सड़क हादसे में लोगों की लगातार जा रही जिंदगी को बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीप नारायण सिंह ने कहा कि अंडर लोड और डाला बराबर कर ट्रक तिरपाल बांधकर चलने के लिए प्रस्ताव पास हुआ है, परिचालन में किसी प्रकार की असुविधा न हो इसको लेकर प्रशासन सहयोग करे, बिना तिरपाल बांधे एवं डाला के ऊपर माल लोड करने वाले लोड ट्रक के परिचालन करने वालों पर प्रशासन कार्रवाई करे। वहीं सम्मेलन में शामिल भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने भी ट्रक ऑनर एसोसिएशन की मांगों का समर्थन करते हुए जिला प्रशासन से उचित कार्रवाई करने की बात कही। नशे से रहो दूर, जीवन भर सुख पाओगे भरपूर स्लोगन के तहत मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग भागलपुर के द्वारा पूर्ण शराबबंदी को लेकर जिला स्कूल भागलपुर में शिक्षा विभाग की ओर से नशा मुक्ति कार्यक्रम के तहत कई विद्यालयों के बच्चों के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम के तहत पेंटिंग प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता तथा वाद विवाद प्रतियोगिता विषय पर कार्यक्रम आयोजित की गई। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपने को पूर्ण रूपेण साकार करने के लिए एक जागरूकता के तहत पहल की गई है। मुख्यमंत्री का भी सपना है अपना बिहार नशा मुक्त हो, शराब मुक्त हो, इसी बाबत जिला स्कूल में यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पहले प्रखंड स्तर पर बच्चों को चयनित किया गया, उसके बाद जिला स्तर पर बच्चे चयनित होंगे और उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। साथ ही बच्चों को टोल फ्री नंबर भी बताया गया है कि अगर कोई शराब पीते हैं तो इस टोल फ्री नंबर पर आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं। कार्यक्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर के अलावे कई पदाधिकारी, जिला स्कूल एवं अन्य स्कूलों के शिक्षक के साथ साथ सैकड़ों बच्चे कार्यक्रम में शामिल हुए। बिहार सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा गंगा डॉल्फिन संरक्षण जन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत भागलपुर के सुंदर वन में वन प्रमंडल के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मछुआरों से सीधा संवाद का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉल्फिन सेंचुरी सहित गंगा में पाए जाने वाले डॉल्फिन के संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर मछुआरों से वार्ता की गई। कार्यक्रम में मछुआरों को बताया गया कि डॉल्फिन को बचाने के लिए किस प्रकार से गंगा में कार्य करने हैं, वहीं डॉल्फिन की सुरक्षा को लेकर मछुआरों को सुझाव भी दिए गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से रानी लक्ष्मीबाई के जयंती के अवसर पर देर शाम महिला कॉलेज में पुष्पांजलि कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज की दर्जनों छात्राओं और कर्मचारियों ने रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर आजादी की लड़ाई में उनके योगदान को याद किया। पंचायत चुनाव के आठवें चरण में 24 नवंबर को नाथनगर प्रखंड क्षेत्र में होने वाले मतदान को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त कराने को लेकर पुलिस प्रशासन काफी एक्टिव मोड में है। इसी कड़ी में आज मधुसूदनपुर थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार व पुलिसकर्मियों ने थाना क्षेत्र के इलाके में पंचायतों के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया, वहीं जगह जगह रुककर लोगों से संपर्क किया, भयमुक्त चुनाव को लेकर प्रोत्साहित किया। फ्लैग मार्च थानों से निकलकर नूरपुर, दिग्घी, निस्फी, अम्बई, बबलपुर, रामपुर, भतोड़िया, गोलाहू सहित कई गाँव में फ्लैग मार्च कर पंचायत चुनाव के मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने की अपील की।
जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत मध्य विद्यालय जगदीशपुर में बाल अधिकार सप्ताह के समापन तथा विश्व बाल दिवस पर गो ब्लू थीम आधारित कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम बाल सांसद के प्रधानमंत्री तनीषा कुमारी को विद्यालय प्रधान के रूप में मनोनीत करते हुए विद्यालय संचालन का प्रभार दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए तनीषा ने कहा कि इस विद्यालय में हम बच्चों को सभी अधिकार मिलता है, जिससे हमारा विद्यालय बाल सुलभ विद्यालय है। प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने कहा कि बच्चे ही हमारा भविष्य हैं और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आने वाले समय में स्वास्थ्य शिक्षा के साथ और बेहतर जीवन जी सके, उन्हें ऐसे सभी अधिकार मिले जिससे वे आने वाले जीवन में स्वस्थ और शिक्षित संसार का हिस्सा बन सके। अवसर पर शिक्षक वासुदेव, राजीव, बिंदु, कल्पना, कौशल्या, पुष्पलता, मीनाक्षी, नाहिदा के साथ बच्चे कीर्ति, श्रेया, सुजल, आरोही, नीति सहित विद्यालय के सभी बच्चे उपस्थित रहे।